हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टेडियो क्रिकेटी में स्वागत है। आज आपके लिए यहाँ पर जेविनल हेल्पर 2 यानी कि जोधपुर के जो एक विद्यार्थी है और एक आरबीपीएनएल का विद्यार्थी है, उन दोनों के नंबर कट ऑफ से ऊपर आ रहे हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन युवा विद प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा दोनों का, कि ये दोनों का देख लीजिए, आप मिला लीजिए अच्छे से, ठीक है। और क्या गलती रही ये आपको बताना है, और यदि आपको दोस्तों किसी को बुरा लगे तो मुझे पर्सनल मैसेज कर लेना, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट पर्सनल मैसेज कर लेना, जिसको किसी विद्यार्थी को इन दोनों विद्यार्थियों के लिए हेल्प करने में किसी को बुरा लग रहा हो कि सर आप उनकी हेल्प क्यों कर रहे हो, तो आप मुझे एक बार ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हेल्प करना अच्छी बात है, क्योंकि एक विद्यार्थी के साथ भी अन्याय मतलब पूरे 2506 विद्यार्थियों के साथ अन्याय, क्योंकि आपके साथ कभी भी अन्याय हो सकता है जैसा इनके साथ हुआ है, तो इनको न्याय मिलना चाहिए, इनको जो इनका हक है वो हक मिलना चाहिए, क्योंकि 187 नंबर है और 164 से कुछ नंबर है, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा अभी सारा बायोडाटा यहाँ पर पूरा बता दूंगा, उनका रिकॉर्डिंग भी की है मैंने कि उस विद्यार्थी के साथ क्या बीती है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए पूरी जानकारी देख लेते हैं, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी हैं अधिकारी वहाँ तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है, हर वैकेंसी में ऐसा होता रहता है, तो ये एक गलत है, क्योंकि राजस्थान में कोई विद्यार्थियों के साथ ऐसा होगा तो हम सहन नहीं करेंगे किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप है, अभी हाल ही में उन्होंने मैसेज किया था मुझे जब भी उनका रिजल्ट आया था, ये हरिराम है, ZVNL से है, मैंने RVPNL लिख रखा है यहाँ पर, ये विद्यार्थी है जो ZVNL से है, आपको यहाँ पर इसका देखिए, इन्होंने मैसेज किया प्लीज़ सर आपसे काम है, तो मैंने उसको मैसेज किया, फ़ोन किया, ठीक है, तो उसका ये नंबर वगैरह ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ करा के आया, सारी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, अभी आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है, ये देख लीजिए उनका नाम है यहाँ पर, 87 नंबर है, आप खुद देख सकते हो, मैं आपको रिजल्ट निकाला है मैंने, वो भी बताऊंगा अभी, ठीक है। यहाँ पर इनके 87 नंबर है, डेट ऑफ बर्थ भी देख लीजिए, 15/12/1991 है, रोल नंबर वगैरह आप सब कुछ उनका देख सकते हो। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर, ये देख लीजिए, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाने गए थे, जिसका भी आपको यहाँ पर प्रूफ दिखा दूंगा, ये यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर पूरी कौन सी कंपनी है, ZVNL कंपनी जिसके लिए आवेदन किया है, जोधपुर वितरण निगम लिमिटेड, तो ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हेल्पर सेकंड के लिए BC नॉन क्रिमिलियर है, पासपोर्ट फोटो देख लीजिए इनका, और ये रोल नंबर पंजीकरण वगैरह आप भी इनका रिजल्ट निकाल के चेक कर सकते हो, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, ये देख लीजिए यहाँ पर सारी जानकारी, यहाँ पर इनका एग्ज़ाम था इतने टाइम में, ये सारी जानकारी यहाँ पर है, ठीक है, ये एग्ज़ाम देने गए थे उसका एडमिट कार्ड है ये, ठीक है। आगे आपको और जानकारी बताऊंगा, ये देखिए मैंने अभी हाल ही में रिजल्ट निकाला है इसका, मैंने खुद को पहले मैंने भी देखा कि मैं भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं प्रूफ के साथ ही चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, जब प्रूफ होगा तभी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मैंने इसका रिजल्ट अभी हाल ही में निकाल के देखा, ये देखिए अभी जस्ट मैंने 2-5 मिनट पहले रिजल्ट निकाला है, यहाँ पर इसके 87 नंबर है, इसका सिलेक्शन हुआ, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी नोटिफाइड लेटर, ठीक है, तो इनका कर दिया गया था। अब आपको इसका जो नाम है हरिराम प्रजापत, ये आप सर्च करना, आप अपन को सर्च करना होगा जो आपकी लिस्ट थी, ठीक है, पूर्व के साथ बताता हूँ, रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा उसके विद्यार्थी के साथ क्या बीती है, आज वो कहाँ जा रहा है, वो जोधपुर जा रहा है और दूसरा जयपुर जा रहा है, आपको बताऊंगा, यहाँ पर सर्च कीजिए हरिराम, ठीक है, कहीं हरिराम तो आपको नजर आ जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, हरिराम यहाँ पर नजर आ रहा है, पर प्रजापत, ठीक है, और उसके डेट ऑफ बर्थ भी देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये प्रजापति है न कि यहाँ पर हरिराम, और इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, उसके रोल नंबर भी 9911 है, ठीक है, और यहाँ पर जो ये विद्यार्थी है हरिराम, इसके यहाँ पर 21 है, ठीक है, इस प्रकार इस विद्यार्थी को यहाँ पर रख दिया गया है। और एक और प्रूफ आपको बता देता हूँ, एक और विद्यार्थी है, पहले इसकी बात इसकी भी करेंगे और एक और बताऊंगा आपको, ये RVPNL से हैं, ये एक सर्विस मैन है, इनके भी नंबर अच्छे आ रहे हैं और इनको भी यहाँ पर रख दिया गया। तो इस प्रकार दो विद्यार्थियों के साथ ऐसी घटना हो चुकी है, और ऐसी घटना आपके साथ ना हो, क्योंकि वहाँ पर 34 नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो गया है और इनके तो 44 नंबर है, 44 नंबर में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इसीलिए ये विद्यार्थी आज ZVNL ऑफिस जा रहा है, ठीक है, ये विद्यार्थी ZVNL ऑफिस जा रहा है और दूसरा वाला जोधपुर जा रहा है, उसका भी आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा अच्छे से चलेगा, तो उसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी डाउट होती है इस विद्यार्थी से आप पूछ सकते हो, ठीक है।
इनकी हेल्प करना चाहेगा वो ये वीडियो देखेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना मैं आशा करता हूँ। दोस्तों जो भी होगा मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि मैं इसके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा किसी भी हालत में, इसके साथ या किसी के साथ भी, किसी विद्यार्थी के साथ। आदि आपके साथ भी होता है तो मुझे बताएं। ये देखिए रिकॉर्डिंग सुन लीजिए पहले एक बार। हेलो, हाँ मैं स्टडी एकेडमी वाला बोल रहा हूँ। आपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए थे, हाँ उस टाइम कुछ गलती बताई थी क्या उन्होंने? ना कोई गलती नहीं थी बताई, कुछ नहीं बोला, सब कुछ सही हो गया वहाँ पर। हाँ मैंने पूछा था और डॉक्यूमेंट सारे ओके ना? हाँ हाँ ओके। और बायोमेट्रिक भी सही हो गई थी? बायोमेट्रिक क्या? वहाँ पर जो बायोमेट्रिक मतलब अंगूठा लगाया था आपने? हाँ हो गया, वो लग गया था ना आराम। हाँ और बाद में कुछ मैसेज वगैरह आया आपको? उसके बाद नहीं आया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। और फिर आप क्या करो, एक बार जोधपुर जा सकते हो क्या? हाँ जोधपुर आज जा रहा हूँ मैं। जा रहे हो ना? हाँ आप तो जोधपुर जा रहे हैं। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, आप साथ है आपके और सब बच्चे साथ है, टेंशन मत लो आप कहीं भी। नंबर आपके यही है ना? हाँ मेरे मतलब दूसरे नंबर यही है, सब कोई प्रॉब्लम आए ना इस नंबर पे कॉल कर लेना। हाँ ठीक ठीक है ना, कोई भी दिक्कत हो आपको तो वहाँ क्या होता है वो मैं भी बता रहा हूँ। एक लड़के को और के साथ के भी आया, वो आर्मी में, उसका नहीं हुआ, उसके 64 नंबर है, कट ऑफ गई है 34-35, उसका भी नहीं हुआ। तो जाओ आप, देख क्या प्रॉब्लम है। मैं उसे बच्चों से मैंने सबसे पूछ लिया कि सब उसके साथ होना, बिल्कुल सबने बोल दिया कि साथ है बिल्कुल। कोई भी टेंशन मत करो आप, कहीं चलो। आप कहाँ से हो? चोरू में गाँव है। चल कोई, अच्छा अरे तो गलत हुआ ना, अरे 87 नंबर में मैंने जब जनरल पार होने चाहिए हो तो वहाँ तो कुछ ही नहीं कर रहा था। हो जाएगा, क्यों टेंशन ले? टेंशन मतलब आप बिल्कुल भी गारंटी के साथ है कि आपका होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद, आशा करता हूँ आपको इसकी बात समझ में आ गई होगी। अभी आज ये विद्यार्थी वहाँ पर जा रहा है जोधपुर और दूसरा जा रहा है जयपुर ऑफिस में, तो आप क्या बताते हो, आप क्या राय है आपकी, आपको इनको और क्या करना चाहिए आगे? यदि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इनके साथ गलत हुआ है या सही हुआ, आप एक बार कमेंट करके बताएंगे तो उससे और भी समझ में आएगा। और आपको लग रहा है कि इसमें कोई गड़बड़ हुई है तो आप वो भी बताइए मुझे कि सर इसका इस कारण सिलेक्शन नहीं हुआ, ये सारी जानकारी, क्योंकि आपसे पूछना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी विद्यार्थी को पूरी नॉलेज नहीं होती। ठीक है, किसी को भी परफेक्ट नॉलेज नहीं है, कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, तो आप एक बार आप खुद भी चेक कीजिए। ठीक है, और आपको भी क्या लगता है मुझे बताइए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जो मैं जानकारी दे रहा हूँ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी इस विद्यार्थी के लिए, और इसके भविष्य की कामना करते हैं कि इसका सिलेक्शन हो जाए, आशा करते हैं, क्योंकि इसने बहुत ही मेहनत की है और दिल से मेहनत की है फिर भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोस्तों यदि किसी का सिलेक्शन नहीं होता है और इतने नंबर आते हैं और एक साल तक मेहनत करके उसके लिए पीछे पड़ता है हाथ धो के और उसका सिलेक्शन नहीं होता तो उसको बहुत ही बुरा लगता है। उसकी जगह यदि आप किसी को रख के भी देखोगे तो यही होता है दोस्तों। तो इसलिए धन्यवाद मित्रों, आशा करता हूँ इसकी वीडियो आपको बहुत अच्छी आएगी, पसंद आएगी दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।